Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 23rd of February 2023. 23 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड द वीडियो इज बायलिंगुअल, इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, दैट इज इंडिया रिमेंस अ ब्राइट स्पॉट टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023. IMF का प्रेडिक्शन यहाँ पर आ गया है. IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टन लिना जियोजीवा का कहना है कि इंडिया कंटिन्यू टू रिमेंस अ रिलेटिव ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंडिया अभी भी बना रहेगा ब्राइट स्पॉट, आगे भी बना रहेगा. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विल अलोन कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023. ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लोबल ग्रोथ यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया का कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, इंडिया 15% कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल ग्रोथ. ठीक है, इन 2023 इंडियाज परफॉर्मेंस हैज़ बीन क्वाइट इंप्रेसिव. ठीक है, जो इंडिया का परफॉर्मेंस है वो क्वाइट इंप्रेसिव है. एंड फॉर दिस ईयर वी एक्सपेक्ट इंडिया टू रिटेन अ हाई ग्रोथ रेट 6.8 फॉर द ईयर डैट एंड इन मार्च. फॉर द ईयर 2023-2024, अप्रैल 2023 टू मार्च 2024, वी प्रोजेक्ट 6.1, अ बिट स्लो डाउन लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी बट वे अबव द ग्लोबल एवरेज. ठीक है, एंड इन दैट वे इंडिया इज प्रोवाइडिंग अबाउट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन मार्च 2023. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम देखें यहाँ पर जो मार्च फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लेकर चला जाता है तो मार्च 2023 में ये क्लोज हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023. ठीक है, नया जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल से लेकर अगले मार्च 2024 तक चलेगा. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रेडिक्शन कितना किया गया, 6.1 का. ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर बिट स्लो डाउन हमें यहाँ पर देखने को मिला है 6.8 से यहाँ पर 6.1 का, जैसा कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी यहाँ पर स्लो डाउन होती हुई दिख रही है, तो वो भी इंडिया का प्रेडिक्शन यहाँ पर स्लो डाउन किए हैं. लेकिन जो ग्लोबल एवरेज है वो इससे कई गुना ज्यादा है. ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज से ऊपर है लेकिन थोड़ा सा कम है. ठीक है, सो इस तरीके से अगर हम देखें तो इन्होंने अपना प्रेडिक्शन दिया है यहाँ पर IMF ने. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, आप वहां पर जाकर पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, थर्ड फोर्थ पेज. उत्तर प्रदेश टारगेट $1 trillion इकोनॉमी विथ इट्स बिगेस्ट एवर बजट. ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो नेक्स्ट टारगेट है, अब ये $1 trillion की इकोनॉमी रहने वाले हैं विथ इट्स बिगेस्ट एवर बजट. अब तक की सबसे बड़ी यहाँ पर बजट को लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश. इट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग और सेल्फ रिलायंट स्टेट. ठीक है, तो ये सेल्फ रिलायंट स्टेट को बिल्ड करने के टुवर्ड्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप है. एंड 130 प्रोमिसेस जो कि पॉल मैनिफेस्टो में किए गए थे, उसमें से 110 यहाँ पर फुलफिल किए गए हैं. ये यहाँ पर कहना है CM योगी आदित्यनाथ जी का. ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन वेनसडे प्रेजेंटेड अ 6.90 lakh crore बजट फॉर 2023-2024. ठीक है, तो 2023-24 के लिए यहाँ पर 6.90 lakh crore का यहाँ पर बजट प्रेजेंट किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा. ठीक है, और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट था, इसका मेन फोकस था टू मेक द स्टेट सेल्फ रिलायंट एंड $1 trillion इकोनॉमी. ठीक है, $1 trillion इकोनॉमी. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इस जो बजट का लाने का मेन फोकस किसके ऊपर है, सेल्फ रिलायंट के ऊपर है और $1 trillion इकोनॉमी के ऊपर है. फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना सेट द इन्वेस्टमेंट टारगेट एट 10 lakh crore एंड सेट 20,000 जॉब्स वुड बी क्रिएटेड ओवर द नेक्स्ट 5 years अंडर उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022. ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जिनका यहाँ पर कहना है कि वो एक्चुअली ये जो टारगेट वो यहाँ पर अचीव करेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years. ठीक है, तो 20,000 जॉब्स यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी. ठीक है, अंडर उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022. ओके, द बजट एलोकेटेड 7,248 crore फॉर ओल्ड एज एंड फार्मर पेंशन स्कीम. ठीक है, तो जो बजट है इसमें लगभग 7,248 crore के आसपास यहाँ पर दिया गया है फॉर द ओल्ड एज एंड फार्मर पेंशन स्कीम. 1,120 crore हैव बीन गिवन टू दिव्यांग पेंशन योजना.
12,631 करोड़ फॉर प्रोग्राम्स अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो 12,631 करोड़ किसको एलोकेट किया गया है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स है अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन उसके अंतर्गत उनको ये मिलेगा, ठीक है। 25,350 करोड़ यहाँ पर जल जीवन मिशन को दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए मिस्टर खन्ना अनाउंस्ड 16 डोमेस्टिक एंड 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि 16 डोमेस्टिक एंड 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है। 21,159 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 21,159 करोड़ यहाँ पर रोड्स एंड मिनिस्ट्रीज को यहाँ पर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स को दिया है, ठीक है। एंड 6,209 करोड़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रोड्स, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनकी जो रोडवेज हैं उनकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए यहाँ पर 6,209 करोड़ यहाँ पर एलोकेट किया है। द बजट ऑल्सो एलोकेटेड 585 करोड़ एंड 465 करोड़ रिस्पेक्टिवली फॉर कानपुर एंड आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी फोकस किया गया है इस बजट में, वहां पर भी एलोकेशन किया गया है 585 करोड़ का एंड 465 करोड़ का, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द बजट ऑल्सो फोकस्ड ऑन यूथ, ठीक है। सो इट ऑल्सो एलोकेटेड 3,600 करोड़ टू प्रोवाइड टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन टू स्टूडेंट अंडर स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं अंडर स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के अंतर्गत उनको यहाँ पर टैबलेट और स्मार्टफोन प्रोवाइड कराने की बात की गई है इन दिस बजट, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन इट्स इंपॉर्टेंट चीज है 600 करोड़ फॉर सामूहिक विवाह स्कीम फॉर मैरिज ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ ऑल क्लास, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 1050 करोड़ फॉर द चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। तो इसके लिए भी 1050 करोड़ यहाँ पर दिया जाएगा, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि द बजट सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश एंड अ माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग $1 trillion इकोनॉमी ओवर द नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल में हम देखेंगे कि $1 trillion की इकोनॉमी बनती हुई दिखेगी कौन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर जी का मंत्र है वो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी फॉलो कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। यहां पर कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि जो ऑपोजिशन है उन्होंने कहा है कि जो बजट है वो डायरेक्शन लेस है, ठीक है। किसी भी फ्रंट से यहां पर हर जगह से ये फेलियर है, इट हैज नो सॉल्यूशन फॉर करेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये जो करेंट प्रॉब्लम्स है उसके लिए यहां पर कोई सॉल्यूशन इसमें इस बजट में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कुछ क्रिटिसिज्म दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑपोजिशन के द्वारा, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मोहिनीअट्टम आर्टिस्ट कानके रेले नो मोर, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लासिकल डांस लीजेंड थे जो कि जिनका नाम था कनक रेले, उनका भी देहांत हो गया, ठीक है, रिसेंटली कल के दिन, ठीक है, इन मुंबई। एंड मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट वॉज अवार्डेड द फर्स्ट गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कारम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है। तो यहाँ पर इनको पहली गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कार मिला था, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, कनक रेले, जिनका अभी रिसेंटली देहांत हो चुका, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ये 85 ईयर्स ओल्ड थे और इन्होंने अपना बचपन वेस्ट बंगाल से स्टार्ट किया था, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। पहला एडिटोरियल कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया बन सकता है एक बायोडाइवर्सिटी चैंपियन, ठीक है। अगर हम देखें एवरेज, ठीक है, अगर हम एवरेज देखें तो वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखें तो बाकी कंट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही है और इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है, इट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है, इट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है। ऑन डिसम्बर 2019, ठीक है, 2019 में क्या हुआ था, 2022 में, ठीक है, सॉरी 19 दिसंबर 2022 में क्या हुआ था, 188 कंट्री रिप्रेजेंटेटिव अडॉप्टेड एन एग्रीमेंट टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। या तो इसको हॉल्ट कर देंगे, रोक देंगे, या तो इसको रिवर्स करेंगे बाय कंजर्विंग 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड्स एंड 30% ऑफ वर्ल्ड ओशियन बाय 2030, ठीक है। इसी को कहा जाता है 30-30, ठीक है, 30-30 प्लेस यहां पर लिया गया था 188 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, ठीक है, ताकि वो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसको यहां पर रोका जा सके, उसको यहां पर रिजर्व किया जा सके, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इंडिया करेंटली होस्ट 17% ऑफ प्लैनेट ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 17% कंट्रीब्यूट करती है इन वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 17% ऑफ ग्लोबल एरिया इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, और 17
5% यहाँ पर ग्लोबल एरिया यहाँ पर दिखाती है इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, प्लेसिंग इट्स एट हेल्म्स ऑफ गाइड हेल्प्स टू गाइड द प्लैनेट इन बिकमिंग डायवर्सिटी चैंपियन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बनने में इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाए गए हैं। ठीक है, और जो अब प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको एक यहाँ पर न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, ये भी यहाँ पर ऑथर ने बताया है। ओके, इन रिस्पांस टू दिस कॉल यूनियन बजट 2023 मेंशन ग्रीन ग्रोथ एज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज सत्रिशी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन ग्रोथ के बारे में मेंशन किया गया है इन द यूनियन बजट 2023। द एम्फेसिस ऑन ग्रीन ग्रोथ इज वेलकम्ड न्यूज फॉर इंडियाज बायोलॉजिकल वेल्थ एज वेल एज द कंट्री इज फेसिंग सीरियस लॉस ऑफ नेचुरल रिसर्च सच एज सॉइल लैंड वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हम सबको पता है कि कंट्रीज नाउ सीरियसली फेसिंग लॉस ऑफ नेचुरल रिसर्च। ठीक है, जैसे कि सॉइल हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ हमारे मिशंस है जैसे कि नेशनल ग्रीन फॉर ग्रीन इंडिया से। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर ऑन डिग्रेडेड लैंड। ठीक है, तो जो डिग्रेडेड लैंड है वहां पर फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की बात की गई है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के तहत, और प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्टेड लैंड्स। ठीक है, तो जो भी फॉरेस्टेड लैंड थे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, उनको यहां पर प्रोटेक्ट करेंगे इस मिशन के तहत। द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स हैज द ऑब्जेक्टिव टू इंसेंटिवाइज एनवायरमेंटली sustainable and responsive action by companies, individual and local bodies। ठीक है, यहाँ पर जो green credit program है इसका main objective क्या था, इसका prior objective क्या था, its prior objective is to incentivize environmental sustainable and responsive actions। ठीक है, responsive action by the companies, individuals and local bodies। ठीक है, mangrove initiatives ऐसे एक दूसरा initiative है, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes is particularly significant। ये भी significant है because extraordinary importance of mangroves and coastal ecosystem in mitigating climate change। ठीक है, तो यहाँ पर जो extra importance है of mangroves का और coastal ecosystem है in mitigating climate change, वो यहाँ पर particularly important यहाँ पर बताया गया। ओके, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशंस ऑफ मदर्स अर्थ फॉर रिड्यूसिंग इनपुट सिंथेसाइज फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग आर एग्रीकल्चर। ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग आर एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ पर मेन मकसद था फॉर द रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ फॉर रिड्यूसिंग इनपुट्स ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इज क्रिटिकल सस्टेनिंग फॉर आर एग्रीकल्चर। ठीक है, सो फाइनली अमृत जो दामोदर स्कीम है इट्स डायरेक्टली मैंशन आर बायोलॉजिकल वेल्थ एंड इज एक्सपेक्टेड टू एनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड एंड इन्हांस बायोडाइवर्सिटी कार्बन स्टॉक इको टूरिज्म एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया, यहाँ पर अमृत धरोहर के बारे में बात किया गया। एक स्कीम है जो कि डायरेक्टली मेंशन आर बायोलॉजिकल वेल्थ एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड। यहाँ पर इससे क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी इन्हांस होती है, ठीक है, कार्बन स्टॉक्स होते हैं, इको टूरिज्म यहाँ पर बढ़ता है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं लोगों के लिए, ठीक है, और इनकम का जनरेशन है फॉर द लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, सो जो न्यू यहाँ पर जो मिशंस है, न्यू प्रोग्राम्स यहाँ पर जो लाए जा रहे हैं, इट मस्ट बी साइंस बेस्ड। ठीक है, इट मस्ट बी मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो न्यू मिशंस एंड प्रोग्राम्स शुड इफेक्टिवली यूज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम दैट कंसिडर्ड इकोलॉजिकल कल्चरल सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द ग्रीन इंडिया मिशन इज कंसर्न। ठीक है, हम सबको पता है कि ग्रीन इंडिया मिशन इज कंसर्न इंप्लीमेंटेशन शुड फोकस ऑन जियोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन को किस पे फोकस करना चाहिए, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि ट्री प्लांटेशन एंड चूजेस साइट वेयर इट कैन कंट्रीब्यूट टू इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी इन लैंडस्केप फ्रेगमेंटेड बाय लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर इंडिया बन सकता है एक बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। ठीक है, इंडिया ने बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्निक्स का यूज़ किया है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं हमारे, अच्छे मिशंस हैं, लेकिन ये जो अभी मिशंस को लेके आया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, अभी ऑथर का यही कहना है कि इन मिशन को साइंस बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, साइंस बेस्ड होना चाहिए, मॉडर्न कंसेप्ट को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बहुत पहले के टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है और अभी के जो मिशन है उसमें मॉडर्न टेक्निक्स साइंस बेस्ड के अंदर ये होने चाहिए मिशंस। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, कुछ नए मिशंस थे जिसका मैंने आपको नाम बताया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है,
द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम्स, ठीक है। और यहाँ पर एक ये जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एल्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। 30-30 प्लेस आप याद रखिएगा, 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड 30% ऑफ वर्ल्ड ओशियन बाई 2030, ठीक है। तो यहाँ पर इस बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है उसको हॉल्ट करेंगे या तो रिवर्स करेंगे, ठीक है। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, सो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आया हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग इन किलाडी, ठीक है। किलाडी इज अ टीनी हैमलेट, ठीक है, सॉरी किलाडी इज अ टाइनी हैमलेट, ठीक है। हैमलेट क्या होता है? हैमलेट का मतलब होता है एक स्मॉल विलेज, ठीक है। लिख लीजिएगा, ऐसे पूछे जाते हैं कभी कभी यहाँ पर आपसे, अभी पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब भी पूछे जाते हैं। ओके, सो किलाडी क्या है? एक टाइनी हैमलेट है इन द शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडिया तमिलनाडु, ठीक है। साउथ तमिलनाडु में ये एक शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत छोटा सा विलेज है एंड इट इज अबाउट 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट टू द टेम्पल सिटी ऑफ मदुरई, ठीक है। मदुरई से लगभग यहाँ पर 12 किलोमीटर दूर एंड इज लोकेटेड अलॉन्ग द वाइगई रिवर, ठीक है। तो किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, किस रिवर के ऊपर? वाइगई रिवर के कोस्ट के ऊपर ये बेस्ड है। एंड द एक्सकवेशन हेयर फ्रॉम 2015 प्रूव्ड दैट एन अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन तमिलनाडु इन संगम एज ऑन द बैंक ऑफ वाइगई रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो 2015 से जो एक्सकवेशन यहाँ पर चल रहे हैं वो ये प्रूव करते हैं कि जो अर्बन सिविलाइजेशन है तमिलनाडु की वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है किसके, कहाँ पर? संगम एज पे, ठीक है। इन द संगम एज ऑन द बैंक ऑफ वाइगई रिवर, ठीक है। तो वाइगई रिवर के ऊपर यहाँ पर जो इनका ये सिविलाइजेशन है वो यहाँ पर बेस्ड है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ हाउ किलाडी लिंक्ड टू संगम एज, ठीक है। नाउ ये ऐसे कैसे लिंक कर दिए ये यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। संगम एज इज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन एशियंट तमिलनाडु विच वॉज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द 3rd century बिफोर कॉमन एरा टू द 3rd century कॉमन एरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है, यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो तमिलनाडु जो यहाँ पर लाई करती है संगम एज है हिस्ट्री का, वो यहाँ पर कहा जाता है कि 3rd century बिफोर कॉमन एरा से लेकर 3rd century कॉमन एरा तक यहाँ पर संगम एज बताया जाता है, ठीक है। नाउ द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम रीओन्ड संगम पोएट ऑफ मदुरई फ्रॉम दैट टाइम, ठीक है। तो जो नेम था वो उस टाइम के जो पोएट थे उन्होंने डिराइव्ड किया था, ठीक है। मदुरई के जो संगम पोएट्स थे उन्होंने डिराइव्ड किया था, ठीक है। एक्सकवेशन बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर एक्सकवेशन चल रहे हैं किसके द्वारा? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तमिलनाडु स्टेट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। नाउ इट हैज पुश्ड द संगम एज फर्दर बैक, ठीक है। तो अब जो यहां पर एस्टिमेट लगाया गया था कि 3rd century बिफोर कॉमन एरा से 3rd century कॉमन एरा के बीच में यहां पर संगम एज हमें देखने को मिला इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, तो ये यहां पर जो फैक्ट है इसको यहां पर बदलता हुआ, ये फिगर को यहां पर बदलता हुआ ये एक्सकवेशन हमें देखने को मिला, एक्सकवेशन के थ्रू हमें देखने को मिला, ठीक है। कुछ साल बैक यहां पर पीछे लेकर चले गए संगम एरा को, ठीक है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स पाए गए जो यहां पर उनके जो कार्बन डेटिंग की गई तो वो यहाँ पर 600 साल पहले, 600 बिफोर कॉमन एरा पहले के पाए गए, जिससे कि यहाँ पर एग्जांपल है, देखिए, इन 2019 TNSDA, that is Tamil Nadu State Archaeology Department, report dated the unearthed artifacts from Kiladi to period between 6th century before common era to 1st century before common era. Again, it's very important. जो यहाँ पे artifacts पाए गए, ठीक है, खुदाई के दौरान जो artifacts यहाँ पर पाए गए, ठीक है, from Kiladi, वो यहाँ पर दर्शाते हैं इनको, इनका carbon dating हुआ, ठीक है, carbon dating के लिए इनको US भेजा गया और वहाँ से ये report आई कि वो 580 before common era पुराने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वन ऑफ द 6 सैंपल कलेक्टेड एट द डेप्थ ऑफ 353 centimeters सेंट फॉर कार्बन डेटिंग इन द US एंड डेटेड बैक टू 580 बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, तो जो यहाँ पर आंकड़े लगाए गए थे कि संगम एज का जो पीरियड है वो 3rd century बिफोर कॉमन एरा से 3rd century कॉमन एरा तक का है, वो यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, वो यहाँ पर गलत होता हुआ आपको दिख रहा होगा। ओके, नाउ द फाइंडिंग्स ऑफ TNSDA रिपोर्ट प्लेस्ड किलाडी आर्टिफैक्ट्स अबाउट 300 ईयर्स अर्लियर दैन प्रीवियस बिलीव्ड 3rd century बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो 3rd century बिफोर कॉमन एरिया से 300 साल पीछे यहाँ पर अब ये भेजता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस आर्टिफैक्ट्स की फाइंडिंग से हमें क्या पता चला कि जो संगम एज है, जो एक्चुअली हम समझ रहे थे कि वो 3rd century बिफोर कॉमन एरा से 3rd century कॉमन एरा की है, ठीक है, वो उससे 300 साल
और पीछे है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, केलाडे कुड ऑल्सो प्रोवाइड क्रूशियल एविडेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द मिसिंग लिंक्स ऑफ आयरन एज, ठीक है। तो जो केलाडी है इट कुड ऑल्सो प्रोवाइड ए क्रूशियल एविडेंस, ठीक है, यहाँ पर एक क्रूशियल एविडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द मिसिंग लिंक्स ऑफ आयरन एज टू अर्ली हिस्टोरिक पीरियड्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सब्सिक्वेंट कल्चरल डेवलपमेंट्स, ओके। नाउ यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज है रिगार्डिंग केलाडी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम कॉन्ट्रोवर्सीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे एक्सकवेशन हो रहे थे, फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सकवेशन हुआ, सेकेंड राउंड ऑफ एक्सकवेशन हुआ, थर्ड राउंड, तो ऐसी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ राउंड ऑफ एक्सकवेशन हुआ, बहुत सारे एक्सकवेशन यहां पर किए गए, ठीक है। आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ पॉसिबल लिंक्स विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, थर्ड राउंड ऑफ डिगिंग बाय एएसआई सॉ अ डिलेड स्टार्ट, ठीक है। तो यहां पर जो थर्ड राउंड था उसमें यहां पर डिलेड स्टार्ट हमें देखने को मिला। सो प्रिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट अमरनाथ रामकृष्णन वॉज ट्रांसफर्ड टू असम, ठीक है। तो यहां पर जो सुप्रिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका यहाँ पर ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, असम में, ओके। एलिग्लेड इन परसीव्ड अटेम्प्ट्स टू प्ले डाउन द एक्सकवेशन फाइंडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से उनको क्या किया गया असम में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। केलाडी ऑलमोस्ट फेडेड फ्रॉम पब्लिक मेमोरी एज देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इन थर्ड राउंड, ठीक है। तो लगभग सारे लोगों के दिमाग से जो केलाडी था, जो एक स्मॉल विलेज था, वो यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा था। जैसे जैसे हम देख रहे थे, फर्स्ट राउंड ऑफ हुआ उसमें कुछ पाए गए, सेकेंड राउंड ऑफ यहाँ पर एक्सकवेशन हुए उसमें पाए गए, तो वैसे यहाँ पर थर्ड राउंड ऑफ जब एक्सकवेशन हुआ तो यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो लोगों के दिमाग से धीरे धीरे निकलता जा रहा था केलाडी। दिस लेड टू क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पर यह क्रिटिसिज्म हुआ दैट द एक्सकवेशन हैज बीन डेलिबरेटली रिस्ट्रिक्टेड टू 400 meters, ठीक है। नाउ ये क्या क्रिटिसिज्म था, ये कंट्रोवर्सी क्या था कि जो एक्सकवेशन किया जा रहा था, ठीक है, अब ये जो थर्ड राउंड में था लिमिट कर दिया गया कि 400 मीटर तक ही किया जाएगा एक्सकवेशन, उससे नीचे नहीं जा सकते आप, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तमिलनाडु पॉलिटिशियन क्रिटिसाइज बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ ट्राइंग टू सप्रेस इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशियंट तमिल सिविलाइजेशन दैट हैड फ्लरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ वाइगई रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु के जो पॉलिटिशियन है, इन्होंने बीजेपी लेड गवर्नमेंट को ये सारी जिम्मेदार ठहराया है फॉर दिस हैपनिंग, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट हैज़ अनअर्थेड सो फार, ठीक है। तो क्या क्या जो चीज़ें थी वो यहाँ पर एक्सकवेशन के दौरान पाए गए, लगभग 7 से 8 राउंड ऑफ एक्सकवेशन हुए। तो इन द 8th राउंड ऑफ एक्सकवेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट 3 ऑफ ASI, ठीक है। तो जो ASI के द्वारा पहला 3 एक्सकवेशन भी किया गया था, उसके बाद भी यहाँ पर 8 राउंड ऑफ एक्सकवेशन हुए, बहुत सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें पाई गई, जैसे लगभग 18,000 से भी ऊपर के यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स आपको पाए हुए दिखेंगे, ठीक है। 18,000 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ पर अनअर्थेड मिलेंगे फ्रॉम दिस साइट, ठीक है। और जो यूनिक आर्टिफैक्ट्स थे उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा एट द म्यूजियम, ठीक है। तो वो म्यूजियम में आपको डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कुछ यहाँ पर इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, ठीक है, तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, ठीक है। आपको टेरिकोटा के सेल्स यहाँ पर कुछ मिलेंगे, स्पेंडल वॉल्स मिलेंगे, कॉपर नीडल्स यहाँ पर आपको पाए हुए मिलेंगे, ठीक है। अनअर्थिंग अ हीप ऑफ पॉटरी सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्री होने का यहाँ पर अंदाजा लगाया जाता था पहले के टाइम पे, ठीक है। मोस्टली मेड ऑफ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट, कॉपर आर्टिकल्स, ठीक है, स्पेशियस स्टोन्स, ठीक है, सेल्स बैंगल्स, आइवरी बैंगल्स, आइवरी कॉम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई गई है, बरामद हुई है फ्रॉम दिस साइट्स, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत पुराने हैं, ठीक है, बहुत पुराने हैं, 580 बिफोर कॉमन एरा पुराने हैं ये, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो जो संगम एज का जो यहाँ पर हम लोग एस्टिमेट लगा रहे थे वो यहाँ पर क्लियर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर और भी इसके ऊपर सर्चेस फाइंडिंग चल रही है, वो यहाँ पर हम देखेंगे आने वाले टाइम में, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। इंडिया एंड चाइना होल्ड इन पर्सन बॉर्डर टॉक्स आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। तो 3 साल के बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना यहाँ पर बॉर्डर टॉक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने का आपको क्या मिलेंगे, देखिए, 2 countries डिस्कस प्रपोजल ऑन फॉर डिसएंगेजमेंट इन 2 remaining फ्रिक्शन एरियाज अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टू क्रिएट कंडीशन दैट विल रीस्टोर नॉर्मलसी इन रिलेशन, ठीक है। 3 साल के बाद इंडिया और चाइना यहाँ पर पर्सन टू पर्सन टॉक कर रहे हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि जो 2 और रिमेनिंग फ्रिक्शन एरियाज है वो वहाँ पर वो डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें और जो रिलेशन है उसमें नॉर्मलसी लेकर आए, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए 3 साल के बाद ये बातचीत स्टार्ट हुई है इंडिया और चाइना के बीच में ताकि रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सके, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया, हेल्थ केयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
गवर्नमेंट या इंडिविजुअल। ऑल्दो इंडिया हैज लार्ज प्राइवेटली मैनेज्ड हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, तो इंडिया के पास लार्जली अगर आप देखें तो प्राइवेटली हेल्थ केयर सिस्टम है, लेकिन ज़्यादातर जो पीपल है वो ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट को ज़्यादा आगे आने चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर सिस्टम। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ वोटर क्लोज टू वन इन टेन फील्स दैट हेल्थ केयर इज अ प्राइवेट मैटर एंड दैट शुड बी लेफ्ट टू इंडिविजुअल देमसेल्फ, ठीक है, तो लगभग 10 में से एक आदमी ये मानता है कि जो हेल्थ केयर है वो एक प्राइवेट मैटर है और वो उसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन ये मानता है कि हेल्थ जो केयर है इट शुड बी गवर्न, इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ओवर देयर इज नॉट मच डिफरेंट इन व्यू बिटवीन दोज हु यूज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड दोज हु यूज प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्यूज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज करते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल यूज करते हैं उनके जो व्यूज है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मेरा भी ये एक्चुअल मानना है कि देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई भी चलाए, ठीक है, लेकिन जो प्राइस है वो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है, ठीक है, जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो प्राइसेस वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, जो अफोर्डेबल प्राइसेस में जो चीज़ें मिल रही हैं लोगों को, दवाइयाँ मिल रही हैं उनको, ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, वो ऐसे यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर वेरी कॉस्टली, ठीक है, वेरी कॉस्टली, यहाँ पर मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर वेरी कॉस्टली एंड वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाइए, अफोर्डेबल बनाइए ताकि वो लोग वहाँ पर पहुँच पाएँ, ठीक है, तो वो यहाँ पर कहा गया, ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ काइंड of service that people wants the government to improve close to 2 in 5, 37% said the government should improve public health care by improving the facilities available to government dispensaries, ठीक है, तो government dispensaries को improve कीजिए, government hospital को improve कीजिए, लेकिन 23% का ये कहना है कि आप यहाँ पर health insurance provide कीजिए ताकि जो लोग हैं वो private hospitals जा पाएँ for the treatments, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आती हुई दिखेंगी, ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस, ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द हिंदू लिट फॉर लाइफ रिटर्न्स टू सेलिब्रेट वर्ड्स एंड आइडियाज, ठीक है, द हिंदू लिट फॉर लाइफ 2017, राइटर का नाम लिख लीजिएगा मार्कस जुकस, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर सब लोग यही कहते हैं कि पीपल आरेंट इंटरेस्टेड इन बुक्स एनीमोर, ठीक है, जहाँ पर लोग यहाँ पर बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट आई थिंक यू नीड टू कम टू अ फेस्टिवल लाइक दिस टू रियलाइज पीपल लव बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पर एक फेस्टिवल जिसके बारे में जिक्र किया गया है जो कि 24 और 25 फरवरी को आपको आता हुआ दिखेगा, कहाँ पर, चेन्नई में म्यूजिक अकेडमी में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और आप यहाँ पर अवश्य जाएँ ताकि आपको पता चले, आप लोग जो बोलते हैं कि लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है बुक्स में, ये यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आर्टिकल में जैसा लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, वी लिव्स इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन सेज पीपल्स आर इंटरेस्टेड इन बुक्स एनीमोर, ठीक है, तो आप एक ऐसे फेस्टिवल में आइए जहां पर आपको पता चलेगा एक्चुअल में जो लोग हैं वो बुक्स से बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो ये फेस्टिवल मुझे बताना था आपको, होप यू गॉट क्लैरिटी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके, डिकेंसोनिया फॉसिल फाउंड इन बिम्बेटिका इज ओल्ड बिहेव्स, ठीक है, तो यहाँ पर डिकेंसोनिया का फॉसिल पाया गया है कहाँ पर, बिम्बेटिका में, ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मार्च 2022 में क्या हुआ था, डॉक्टर रेटलैक्स अ प्रोफेसर ऑफ पैंटोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजन एंड सम ऑफ अदर रिसर्चर्स वर गिवन अ टूर टू बिम्बेटिका रॉक सेंटर, ठीक है, तो यहाँ पर उनको एक टूर दिया गया था बिम्बेटिका रॉक सेंटर का, ठीक है, सेल्टर का इन मध्य प्रदेश बाय मेंबर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हेन दे हैड फ्लॉड टू इंडिया एट अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नाउ देयर आर अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स दे स्पॉटेड बाय चांस व्हाट लुक लाइक अ 44 सेंटीमीटर वाइड फॉसिल ऑफ डिकेंसोनिया एन एनिमल दैट लिव्ड एट लीस्ट 538 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, तो अगेन एक यहाँ पर गुफा था उसमें क्या पाया उन्होंने पाया कि 44 सेंटीमीटर वाइड फॉसिल यहाँ पर पाया किसका, डिकेंसोनिया का, ठीक है, एक ऐसा एनिमल जो कि 538 मिलियन ईयर पहले रहता था, ओके, डिकेंसोनिया फॉसिल इन द अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैव इंडिकेटेड इट वॉज सर्कुलर एंड ओवल इन शेप, ठीक है, तो जो डिकेंसोनिया का जो फॉसिल है जो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पाए गए हैं वहाँ से हमें यह पता चला कि यह सर्कुलर इन शेप है, ओवल इन शेप है, ठीक है,
समवाट फ्लैटेड कुछ है इस टाइप का, यहाँ पर कुछ हमें फिगर्स यहाँ पर आता हुआ आपको दिखा, ठीक है। सो ये डिकनसोनिया के जो फॉसिल्स है ये यहाँ पर बिम्बेटिका में पाए गए हैं। नाउ ये अभी आज के डेट में ये न्यूज़ में है, ये आपको याद रखना है। ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वर्ल्ड सेक्शन पे आते हैं। सी जिनपिंग कॉल्स फॉर चाइना सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमीज बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो सी जिनपिंग ने यहाँ पर कहा है कि चाइना का सेल्फ रिलायंस यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अमिड्स ग्रोइंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके होप यू गॉट क्लैरिटी। अब इनको ये डर है कि इनसे कोई कहीं आगे ना निकल जाए, ओके। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। सीटल बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन यूएस टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीटल है, यूएस में ऐसा सिटी है, एक सीटल जो कि पहला सिटी बन गया, यूएस का पहला सिटी बन गया जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, सीटल हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन यूएस, यूएस में पहला सिटी बन गया सीटल जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।